चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने क्या प्लान बनाया है? लोकसभा चुनाव के बाद मोदी के खिलाफ आखिर विपक्ष का माइंड गेम क्या है? कुल 7 चरणों में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी 2 चरण का मतदान बाकी है, लेकिन विपक्षी दलों ने अभी से चुनाव बाद की संभावित स्थिति को लेकर अपनी रणनीतियों पर मंथन करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि विपक्ष की इस रणनीति में बीजेपी के बहुमत से दूर रहने की स्थिति में गठबंधन सरकार बनाने की संभावनाओं को लेकर विपक्षी दलों में करीबी सामंजस्य बिठाना भी शामिल है। दरअसल आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के साथ अपनी बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने वीवीपैट, अब तक के 5 चरणों में वोटिंग परसेंटेज और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। इसके अलावा खबर है कि मुलाकात के दौरान नायडू ने राहुल के साथ चुनाव संपन्न होते ही और नतीजों से पहले 21 मई को विपक्षी दलों की बैठक बुलाने की योजना पर चर्चा की। कई बीजेपी नेता और उसके सहयोगी भी कह चुके हैं कि इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिलना मुश्किल है। विपक्षी नेताओं की बैठकों को संभावित साझा जमीन तलाशने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। असल में चुनाव में विपक्षी दल अलग अलग या फिर अलग अलग गठबंधनों के साथ चुनावी मैदान में हैं। कुछ पार्टियां क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और अलग अलग विचार की वजह से एक दूसरे से सीधे संपर्क में भी हैं। हालांकि इससे इतर कुछ दलों के चुनाव के दौरान एक दूसरे के संपर्क में भी होने की बात कही जा रही है। एनसीपी चीफ शरद पवार, एनसीपी नेता फारूक अब्दुल्ला, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल विपक्ष के उन प्रमुख नेताओं में शुमार हैं जो एक दूसरे के साथ संपर्क में बने हुए हैं। सियासी जानकारों की माने तो विपक्षी नेताओं की अचानक सक्रियता इस बात के संकेत देते हैं कि विपक्षी दल नतीजों के ठीक बाद बिना किसी देरी के सरकार बनाने के दावों की योजना के साथ तैयार रहना चाहते हैं। गोवा जैसे राज्यों की नज़ीर भी विपक्षी दलों के सामने है, जहां विपक्षी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या प्री पोल अलायंस न होने के बावजूद भी सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। ऐसे में विपक्षी दल नहीं चाहते कि अगर बीजेपी बहुमत से दूर रही तो केंद्र में भी गोवा दोहराया जाए। हालांकि विपक्ष का ये प्लान कितना कामयाब होता है ये तो नतीजों के ऐलान आने के बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।